पांच खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल के बीच सीजन में ही अपनी टीम की भले के लिए अपनी कप्तानी की कुर्बानी दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दवी आईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने अपने हित को ध्यान में नहीं रखा बल्कि टीम के फायदों को ध्यान में रखा और बीच सीजन में अपनी कप्तानी की बलि दे दी। दोस्तों, जानेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं आईपीएल जल्द शुरू हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में टीम के कप्तान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय पर गेंदबाजी परिवर्तन करना और गेंदबाजी के अनुसार फील्डिंग लगाने के साथ ही मैच की स्थिति का भी जायजा कप्तान को ही लेना पड़ता है और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में कप्तान पर और ज्यादा दबाव होता है जहां उसे देसी और विदेशी खिलाड़ियों के बीच संयोजन बिठाना होता है। आईपीएल में कई ऐसे कप्तान रहे जिन्होंने अपनी कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीता। हालांकि कई कप्तान ऐसे भी रहे जिनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और उन्होंने मध्य सीजन में ही अपनी कप्तानी त्याग दी। तो पांचवे है रिकी पोंटिंग। दोस्तों, मुंबई इंडियंस को आईपीएल के शुरू के पांच सीजन में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के टीम में होने के बावजूद ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। पहले चार सीजन में उन्होंने सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, शॉन पोलाक और ड्वेन ब्रावो के साथ में चार कप्तानों को आजमाया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो सिर्फ कप्तानी की पहेली को सुलझाने के लिए मुंबई ने 2013 की नीलामी में रिकी पोंटिंग को खरीदा था। तो मुंबई इंडियंस के प्रशंसक ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को अपनी टीम के कप्तान के रूप में देखने के लिए उत्साहित थे। तो मुंबई ने रिकी पोंटिंग की कप्तानी में आईपीएल 2013 में शुरू के चार मैचों में तीन में जीत हासिल की, लेकिन पोंटिंग का बतौर बल्लेबाजी प्रदर्शन काफी खराब था। उनका T20 प्रारूप के हिसाब से स्ट्राइक रेट भी काफी कम था। तो पोंटिंग ने अपनी खराब फॉर्म को देखते हुए खुद को ही टीम से ड्रॉप कर दिया और अपनी जगह युवा रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंप दी। दोस्तों, इसके बाद मुंबई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित की कप्तानी में मुंबई ने चार बार आईपीएल खिताब जीते और मुंबई अभी तक आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम है। और है गौतम गंभीर। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2018 में अपनी टीम में काफी बदलाव किए और कुछ अहम फैसले भी लिए। दिल्ली ने लोकल खिलाड़ी गौतम गंभीर को टीम का कप्तान बनाया और उन्हें टीम को संभालने की जिम्मेदारी दी। तो गंभीर ने पहले ही मैच में अर्धशतक लगाया लेकिन उसके बाद अगले पाँच मैचों में वो मात्र 30 रन ही जोड़ पाए। तो वहीं दिल्ली की टीम ने शुरू के छह में से पाँच मैचों में हार का सामना किया। तो टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए गंभीर ने कप्तानी छोड़ दी और गंभीर के कप्तानी छोड़ने के बाद युवा श्रेयस अय्यर को टीम की कप्तानी मिली। तो अय्यर की कप्तानी में टीम ने 2019 के सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया और टीम प्लेऑफ तक पहुंच गई। और है डेनियल विटोरी। दोस्तों, आईपीएल के पहले तीन साल तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में क्वालिटी टेस्ट खिलाड़ी ज्यादा थे। फिर 2011 में उन्होंने एबी डिविलियर्स, तिलक रत्न, दिलशान और डेनियल विटोरी जैसे क्वालिटी T20 खिलाड़ियों को खरीदा और टीम प्रबंधन ने न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर डेलियन विटोरी को टीम का कप्तान नियुक्त किया। तो उनकी कप्तानी में आरसीबी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और अपने टीम को पहली बार फाइनल में पहुंचा दिया लेकिन वो चेन्नई के हाथों हार गए। तो आईपीएल 2012 में कप्तान विटोरी का प्रदर्शन खराब था और वो बीच के ओवरों में विकेट नहीं ले पा रहे। वहीं उनके साथी खिलाड़ी मुरलीधरन टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तो प्लेइंग 11 में चार विदेशी खिलाड़ियों के नियम की वजह से विटोरी ने खुद को ड्रॉप किया और विराट को टीम का कप्तान बनाया गया और तब से विराट ही आरसीबी की कप्तानी कर रहे हैं। दूसरे हैं कुमार संगकारा। दोस्तों, 2012 में बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स टीम की आईपीएल फ्रेंचाइजी को टर्मिनेट कर दिया था लेकिन टीम के खिलाड़ियों को नई टीम सनराइजर्स हैदराबाद के तहत बरकरार रखा गया था। तो सनराइजर्स हैदराबाद टीम का कप्तान कुमार संगकारा को बनाया गया। हैदराबाद ने अच्छा प्रदर्शन किया और शुरू के सात में पाँच मैचों में जीत दर्ज की। हालांकि यह शानदार प्रदर्शन उन्होंने गेंदबाजों की बदौलत किया था। टीम के बल्लेबाज और कप्तान संगकारा का प्रदर्शन काफी खराब था। संगकारा ने 9 पारियों में मात्र 120 रन बनाए। तो प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए संगकारा ने खुद को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया और कैमरून व्हाइट को हैदराबाद टीम का नया कप्तान बनाया गया। तो उनकी कप्तानी में टीम ने आखिरी के चार में से तीन मैच जीतकर प्ले ऑफ तक पहुंची। और पहले हैं शिखर धवन। दोस्तों, 2014 सीजन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ शिखर धवन और डेल स्टेन को रिटेन करने का फैसला किया था। तो फ्रेंचाइजी ने नीलामी में डेविड वार्नर, एरोन फिंच, केएल राहुल और भुवनेश्वर कुमार जैसे क्वालिटी प्लेयर्स खरीदे और धवन को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया।
अब हैदराबाद के पास धाकड़ खिलाड़ियों की भरमार थी और टीम पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव भी था, लेकिन कप्तानी के दबाव में धवन अपने बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ रहा था। तो अपने खराब प्रदर्शन को देखते हुए धवन ने कप्तानी की जिम्मेदारी 20 सीजन में ही डेरेन सैमी को सौंप दी। हालांकि डेरेन सैमी के कप्तानी में भी टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी और लीग स्टेज से ही बाहर हो गई। तो दोस्तों, ये थे वो खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम की भलाई के लिए अपनी कप्तानी को त्याग दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए द वीआईपी टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।